हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग आए हैं सीयूटी के फर्स्ट स्लॉट के अंदर, जहां पर 2023 का पहला स्लॉट, पहला एग्जाम हुआ है आज बच्चों का। हम आज यहां पर इस सेंटर पर आए हैं जो कि दिल्ली के कॉर्नर पर रोहतक रोड के ऊपर है। यहां पर काफ़ी सारे बच्चों का यहां पर आज टेस्ट था। हम लोग पहले स्लॉट का ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आज पेपर को अटेम्प्ट किया है, बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका ये पेपर मिस हुआ है क्योंकि वो शायद टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं आज इस पूरे सीयूटी के सेंटर के ऊपर। बच्चों का मिक्स रिएक्शन रहा है इस पेपर को लेकर के, कईयों को टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। सब चीज़ें जानेंगे। ये यहाँ पर ये वेटिंग एरिया बनाया गया था स्कूल ने, जो कि पेरेंट्स के लिए बनाया गया था, जो उनके गार्जियंस आए थे यहाँ पर। चलिए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं किसी स्टूडेंट के साथ। बच्चों को आगे के लिए थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड वगैरह, अच्छा तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके आए। अच्छा गुड, तो अदरवाइज ओवरऑल इजी था। तो बच्चों देखा, जैसे कि आपने अभी सुना, आवाज़ ऑल दो बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ उस बच्चे ने क्या बताया कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेकर के आना है, एक फोटोग्राफ और एक आधार कार्ड लेकर के आना है। इसके अलावा और कुछ भी लेकर के नहीं आना, यहाँ तक कि पेन फोल्डर वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर लेकर के जाना। अंदर आपको पेन दिया जाएगा, तो कोई भी मेटल की चीज़ आपको अलाउड नहीं होगी। अगर आपने कड़ा पहना हुआ है, टॉपिक्स पहने हुए हैं या कुछ भी ऐसे ईयरिंग्स पहने हैं, वो सब आपके उतार लिए जाएंगे। तो मेक श्योर कोई कीज़ वगैरह आप साथ में लेकर के ना जाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज सीयूटी के पेपर में किस किस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो रूपाशी, आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करेंगे क्या क्या उनको तैयारी करनी चाहिए और किस तरह के एग्जाम्स में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जो आज आपने दिए अपने फर्स्ट स्लॉट में। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट स्लॉट था इंग्लिश और जीटी का, जनरल टेस्ट का। अब जो जनरल टेस्ट है ना, वो हमारा तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, जीके, एलआर और क्वांट। जो हमारा क्वांट था वो था हमारा जो आपने जो कॉन्सेप्ट करी हो गए, जैसे एवरेजेस, परसेंटेज वगैरह। एवरेजेस का क्वेश्चन आया था, जो मीडियन आपको निकालना होता है, आपने बचपन में सीखा होगा ना मीडियन कैसे निकालते हैं। फाइव नंबर्स का एक्स की वैल्यू दे रखी है, उसमें आपको मीडियन निकालना है। और एक क्वेश्चन आया था जिसमें मीडियन दे रखा था और एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ऐसे करके। और आया था मोड कैसे निकालते हैं, मोड वाला भी आया था। और जो आपको एस आई वाला फॉर्मूला आता है, पी इंटू आर इंटू टी वाला, वो वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, रेट निकालना था आपको, और जो मेन एस आई था वो भी दिया हुआ था। आपका आ रहा है वो टॉपिक्स में से जो मेन मेन टॉपिक आए थे, वो था क्लॉक का क्वेश्चन आया था, कैलेंडर जो आपका होता है कैलेंडर का क्वेश्चन आया था, रोज थिंकिंग है ना, उसके तीन क्वेश्चन आए थे। और जो आपका आपने कोडिंग डिकोडिंग करे होगे, उसमें दो तीन टाइप आए थे, जैसे कि एक तो वो होता है कि आपको दिया हुआ है और उसी में से जो उसके दिए हुए उसी में से कर लो, और एक था कि आपको खुद इवैल्यूएट करना था। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास अल्फाबेट्स आ गए और उसके नीचे नंबर्स दे रखे हैं, आपको अगले अल्फाबेट निकालना है, वो वाला एक क्वेश्चन आया था। एलआर और जीके में था, जीके में जो था वो मैच इन द फॉलोइंग करके भी आया था, जैसे कि आपको रिवर के नाम दे दिए, उसके ट्रिब्यूटरीज बताने हैं, और जो आपके था फेमस पर्सन के नाम दे दिए, जैसे कि महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या क्या किया। जैसे द गाइड कौन है, आर के नारायण, उसका करके एक क्वेश्चन आया था, ये मैच इन द फॉलोइंग में आया था। एक क्वेश्चन आया था द ओनली पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये करके आया था जीके में। इंग्लिश में जो आपका मेनली था वो तो सारा पैसेजेस का था, पैसेजेस के साथ साथ भी थोड़ी वोकैबुलरी आई थी, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम आए थे दो तीन नंबर के, और बाकी जो थे वो फ्रेजेस वगैरह आए थे, आइटम एंड फ्रेजेस आ गए थे दो तीन। एक ये क्वेश्चन आ गया था कि आप ये बताइए इन सेंटेंसेस में से कौन सा पांच परफेक्ट सेंटेंस है। एक ये क्वेश्चन आ गया था कि इसमें से बताइए कि ये कौन सा एक्सक्लेमेशन ठीक है, ऐसे करके, और क्या क्या डिपिक्ट कर रहा है। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर के जो पेपर था वो जो हमारे जो नॉर्मली मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर्स हमारे अवेलेबल हैं मार्केट में, उसी के हिसाब से था या थोड़ा सा डिफरेंट था? उसी के हिसाब से था, मॉडरेट पेपर था, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आ गया, सही आया था पेपर। अगर आप तैयारी करके गए हो तो आपको वो ईजी लगेगा। चलो ठीक है, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन से हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।